हेलो बच्चों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का पर जहां दिल और दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पिछले दो लेक्चर से हम लोग बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं विच इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी अगर आप अकाउंटेंट अच्छे बनना चाहते हो अच्छी अकाउंटिंग सीखना चाहते हो या अकाउंट सब्जेक्ट से प्यार करना चाहते हो तो ये इतना स्लो पढ़ना बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा आसपास की दुनिया में देखना पड़ेगा कि इन शब्द का मायना क्या है ये शब्द हमारे जीवन में यानी अकाउंट्स के जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं तो अभी तक हम दो लेक्चर पढ़ चुके हैं और दो लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा और एक बारी देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक इन सारे शब्दों के बारे में पढ़ाई की टोटल मेरे हिसाब से 18 19 शब्द हम लोगों ने पढ़ लिए जिसमें पहला आता है कैपिटल जिसमें फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर समय पर बिज़नेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसको आप कैपिटल कहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल मालिक ने लगाई है पड़ोसी ने लगाई है पापा ने लगाई है चाचा ने लगाई है बिजनेस में कितना पैसा घुसा हुआ है इन्वेस्टेड है इंजेक्टेड है उसको आप कैपिटल कहते हो ऑल दो मैं आपको बता दूं ये सारे टर्म्स में बिल्कुल डिटेल में स्लो मोशन में दो घंटे ढाई घंटे लगा के मैं पढ़ा चुका हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं दोनों के दोनों लेक्चर को वन पॉइंट फाइव एक्स पे जाकर जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लो अगर देख लिया ना पूरा प्रॉपर पेशेंस के साथ आप उससे पढ़ें याद करें तब जाकर ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये सब कुछ डिटेल में पढ़ा दिया कैपिटल के बाद आता है लाइबिलिटी द अमाउंट विच वी ओस आउटसाइडर जो हमें बाहर के लोगों को पे करना है हमारे सर पे उधारी जिसको कहते हैं उसको आप लाइबिलिटी कहते हो ये दो प्रकार की होती है एक होती है करंट एक होती है नॉन करंट एसेट्स एनी थिंग विच मेक्स अस मनी जो ऐसी चीज जो हमको पैसा कमा कर देती है नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर के अंदर ऐसी चीज जिसके मोनिट्री वैल्यू होती है उसको आप एसेट कहते हो यानी मेरे बिज़नेस में लगी हुई हर एक चीज़ यानी वो मान लो अगर मेरा ऑफलाइन बिजनेस सेंटर है या मेरा चाय कैफ़े मैंने यहाँ पे बनाया था एक फेक बिजनेस हम लोगों ने शुरू किया था तो वहाँ पर जो कॉफी मशीन है वो भी मेरा सेट है जो फर्नीचर पड़ा है वो भी मेरा सेट है ए सी लगा हुआ है वो भी मेरा सेट है क्यों क्योंकि अगर ए सी नहीं लगा होगा मेरे चाय कैफ़े में तो दुनिया नहीं आएगी दुनिया कम आएगी वो मुझे पैसा कमा के दे रहा है मेरे घर में लगा हुआ एसी मुझे पैसा कमा कर नहीं दे रहा मेरा ऑफलाइन सेंटर है वहां पर एसी सुबह नौ बजे चालू होता है और रात को नौ साढ़े नौ बंद होता है बारह साढ़े बारह बजे तक मतलब बारह साढ़े बारह घंटे सारे के सारे ए सी आठ दस ए सी चलते रहते हैं चलते रहते हैं और मुझे कुछ भी पिंच नहीं होता क्योंकि वो मुझे पैसा कमा कर दे रहा है उस रूम में कोई है भी नहीं ना तो भी अगर हमारा ए सी खुला हुआ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों क्योंकि अभी आएगा क्लाइंट उसको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी तो शायद वो अट्रैक्ट हो जाए ऐसे पी पी ज्वेलर्स या बहुत सारे ज्वेलर्स की दुकान पर अगर आप चले जाओ या आप मॉल्स में चले जाओ ग्राहक कम है ज़्यादा है एसी उसी स्पीड में चल रहा है तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटेल्ड वीडियो में जाकर आप देख सकते हो ये चार प्रकार के होते हैं टेंजिबल इनटेंजिबल करंट नॉन करंट फिर आता है ड्राॅइंग्स जो पैसा मालिक 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 यानी ओनर प्रोपराइटर अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है अपनी पर्सनल नीड्स के लिए ऑब्वियसली बात है मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ अगर मेरी बीवी कहती है कि सुनो जी आते वक्त खरबूजे ले आना और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं खरबूजा लेके जा सकूँ तो लाना था मेरे बिजनेस करने में तो अगर मैं अपने बिज़नेस से बीस रुपये या पचास रुपये विड्रॉ करता हूँ कि मुझे रात को घर में खरबूजे लेके जाने हैं तो उस पैसे को क्या बोलोगे ड्रॉइंग बोलोगे गुड्स जिस चीज़ का व्यापार करते हो उसको आप गुड्स कहते हो एक आलू वाले के लिए आलू गुड्स होंगे मेडिसिन वाले के लिए मेडिसिन गुड्स होंगी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बेचने वाले के लिए सारा चीज़ गुड्स होगी मेरे लिए कोई गुड्स नहीं है क्योंकि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ स्टॉक इन गुड्स का माल अगर आपके गोदाम में पड़ा हुआ है उसको आप स्टॉक कहते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक गारमेंट शॉप पे जाते हो वहाँ पे जितनी भी जीन्स टी शर्ट टॉप्स सूट कुर्ती ये सब लगी हुई होती है जो पड़ी हुई होती है अलमीरा के अंदर शोकेस के अंदर वो सारा उनका स्टॉक होता है द अनसोल्ड गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम फिर आता है परचेज परचेज का मतलब वैसे अंग्रेजी में तो खरीदना होता है लेकिन यहाँ पर खरीदना है। मतलब क्या खरीदना गुड्स खरीदना खरीदना ऑफ गुड्स गुड्स यानी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स जैसे चाय फाय कैफे के अंदर चाय पत्ती आएगी दूध आएगी अदरक आएगी इलायची आएगी या कह सकते हो हम बनी बनाई पेप्सी भी बेच रहे हैं हम बनी बनाई कोल्ड कॉफी भी बेच रहे हैं यानी जो कैन वाली कैन ड्रिंक्स आती है वो भी बेच रहे हैं हम किसी और बेकर से खरीदे हुए केक्स मफिन्स वगैरह भी अपने पास रखे हुए हैं तो यानी हमने फिनिश गुड्स भी खरीद के बेच रहे हैं या रॉ मटेरियल लेकर उसको प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके कोल्ड कॉफी बनाकर यानी चाय बनाकर चॉकलेट चाय बनाकर अदरक वाली चाय बनाकर बेच रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स की परचेज करना परचेज ऑफ गुड्स होती है डिटेल बता रखा है बिल्कुल डिटेल वहां जाके देख सकते हो माल पसंद नहीं आया तो वो वापसी कर दिया उसको आप परचेज रिटर्न भी कहते हैं तो इसका एक और नाम होता है वो वीडियो में चलेगा ऐसे ही सेल होती है सेल यानी बेचना क्या बेचना ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यार हम अपना माल ही बेचेंगे ना आप अगर किसी शोरूम में जाकर उससे एसी नहीं पूछ सकते ना भैया एसी कितने का दिया क्योंकि वो तो क्या बेच रहा था जीन्स टी शर्ट और जैकेट्स बेच रहा था तो आप वही बेचोगे ठीक है ना तो यानी अगर आपकी दुकान सब्जियों की तो सब्जियाँ ही बिकाऊ हैं सब्जियाँ जिस टोकरी बड़ी है वो बिकाऊ नहीं है ये आलू वाला जो रेडी में लेकर आलू लेके घूम रहा है तो आलू ही बिकाऊ है ना तराजू बिकाऊ है ना ही वो रेडी बिकाऊ है तो सेल का मतलब क्या होता है माल बेचना गुड्स बेचना और अगर सामने वाली पार्टी को गुड्स पसंद नहीं आए तो माल वापसी आ जाएगा उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न इसका भी एक और नाम है वो वीडियो में आपको देख पता चल जाएगा दूसरा होता है डेटर अगर हम किसी को उधार पर माल बेचते हैं तो उस बंदे को हम डेटर बोलेंगे और जिससे हम उधार पे माल खरीदते हैं उस बंदे को हम क्रेडिटर बोलेंगे अगर डेटर पैसा लेके भाग जाए तो वो गंदा डेटर है यानी बैड डेट हो जाएगा इट्स माय लॉस इट्स माय एक्सपेंस और अगर मान लो माता रानी उसके सपने में आके कहती है कि भाई तूने क्या पाप कर दिया एक मासूम से उशांग से बच्चे का पैसा खा लिया तो तू भैया उसका पैसा वापसी करके आ और वो भूला बटका दो चार साल बाद मेरे पैसा देने आ गया तो यानी बैड डेट रिकवर आप मान के बैठ चुके थे कि वो पैसा नहीं देगा लेकिन आज वो आके आपको पैसा दे गया ठीक है जी फिर आता है रिसिप्ट जो आप काम करके पैसा लेते हो या बिना काम किए पैसा लेते हो यानी अर्चना पुनन सेंग, मजा कर रहा हूँ मतलब जो पैसा आपको मिलता है चाहे वो जैसे मर्जी मिले अब जैसे मुझे फीस मिलती है आप लोग जैसे पेड बैच के बच्चे मुझे फीस देते हैं या यूट्यूब से मुझे जो रिसिप्ट आती है या मेरे ऑफलाइन सेंटर से बच्चे जो मुझे फीस देते हैं ये तो मेरी रिसिप्ट है ही है ये तो मेरी डायरेक्ट इनकम है तो मैं काम कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कभी कभी मैंने इस पैसे को मान लो कोई फ्लैट में इन्वेस्ट कर दी वहां से मुझे किराया आ रहा है या मैंने शेयर में लगा रखा है वहां से मुझे डिविडेंड आ रहा है या मुझे प्रॉफिट आ रहा है या मैंने किसी को ब्याज पैसा दे रखा है से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है मैंने कुछ टीचर्स की नौकरी लगा दी मुझे, तो सारी सारी मुझे एक्सपेंडिचर को पाने के लिए मुझे खर्चा भी करना पड़ता है अभी तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एसी चलाना पड़ा मुझे यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह लाइटें जलानी पड़ी बिजली का बिल तो आएगा ना एक ये स्मार्ट टीवी चलाना पड़ा इसके बाद एक पीसी चलाना पड़ा पीसी को चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए बिजली चाहिए फिर क्लास अपलोड होगी तो मुझे एडिटर्स चाहिए एडिटर इस क्लास को एडिट करेगा एडिट करने के बाद एक यूट्यूब मैनेजर उसको अपलोड करेगा फिर एक एस मैनेजर उसका एस करेगा फिर जाके वो क्लास अपलोड होगी तो इतना लॉन्ग प्रोसेस है भैया अच्छा पीपीटी वाला तो भूल ही गया चलो ये वाली खास फिलहाल ये वही पी तो मैंने खुद बनाई है लेकिन कुछ ऐसी पी पी टीज होती है जो हमारे एस एम इज बनाते हैं और वो पीपीटी बनाकर आपको दे वो हमको देते हैं फिर हम थोड़ा सा एडिट करके आगे काम करते हैं तो देखो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये वीडियो वन पॉइंट फाइव एक्स पर चल रही है लेकिन मुझे इतनी ही रफ्तार से पढ़ाना है क्यों क्योंकि ये दोनों लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको डिटेल बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प तरीके से चाहिए तो जाके वो दो लेक्चर देख लो तो रेवेन्यू समझ में आ गया सॉरी एक्सपेंडिचर समझ में आ गया जो रिसिप्ट को पाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा उसको आप क्या बोलोगे एक्सपेंडिचर अब जैसे मैं किराएदार भी रखता हूँ फ्लैट पर तो कभी कभी उसकी मेंटेनेंस में वाइट uh, वॉश के अंदर मुझे करना पड़ेगा या मैं शेयर खरीदता हूँ तो शेयर परचेजिंग कॉस्ट भी आती है तो वो भी मुझे माइनस करनी पड़ेगी यानी कोई भी रिसिप्ट को पाने के लिए आपको खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना तो बिना खर्चे किए तो इनकम नहीं आ सकती अब सबकी किस्मत अर्चना पूनम सिंह जैसी तो नहीं होती ना तो उसको बोलते हैं बेटा हम एक्सपेंडिचर ठीक है जी अगर हम रिसिप्ट में से एक्सपेंडिचर हटा दें चलो उसको हम इनकम बोलेंगे एक्चुअली रेवेन्यू और रिसिप्ट लगभग एक ही चीज़ है आगे जाकर डिटेल्ड वर्जन आपको पता चल जाएगा या तो वीडियो में देख लो या थोड़ा सा और सब्र करो भी हम हाँ, और मजबूत हो जाएंगे हमारी अकाउंटेंसी के अंदर तो जाके आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू और रिसिप्ट में क्या फर्क है ठीक है ना तो रेवेन्यू वैसे गल्ला होता है जो बिजनेस से पैसा आता है यानी इसके अंदर वो रेंट वो डिविडेंड वो इंटरेस्ट इंक्लूडेड वो कमीशन इंक्लूडेड नहीं होती जो डायरेक्ट बिजनेस से इनकम आती है उसको आप जनरली रेवेन्यू कहते हो इनकम होता है इनकम होता है जो भी आपका रेवेन्यू हुआ माइनस जो भी आप खर्चा करते हो उसको आप इनकम कहते हो अब मान लो कोई बच्चा मेरे को बीस हजार रुपये देता है फीस का तो क्या बीस हजार की बीस हजार मेरी इनकम होगी आंसर इज नो उसके ऊपर मैं खर्चा भी तो कर रहा हूँ अब वो खर्चा माइनस करने के बाद जो बचेगी वो मेरी क्या होगी इनकम होगी बात समझ में आ गई क्लियर है। आई थिंक ये आवश्यकता नहीं होगी एकदम सामने आ गया और अगर अभी भी आपको लगता है तो मैं फिर बोलूंगा लिंक है आप जाकर उन वीडियो को देख लो कारण वही भैया क्योंकि ये तो सीरीज है आगेगा तभी समझ में आएगा जब तक इतना आएगा ठीक है ना चलो उसके बाद अब हम उन्नीसवे टॉपिक पर आ गए अठारह हो चुके हैं उन्नीसवा शब्द है डिस्काउंट डिस्काउंट वर्ड तो आई थिंक सभी को पता होगा कि डिस्काउंट क्या होता है और रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सोल्ड और इन द अमाउंट इट इज द रिडक्शन इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय द एंटरप्राइज एंटरप्राइज यानी बिजनेस ठीक है जी डिस्काउंट अलाउड में भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और रिबेट अमाउंट के अंदर जो कमी आ जाती है उसको आप डिस्काउंट करते हो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर आशु थर्टी परसेंट लगाते हो हमारे पेड बैच के अंदर तो जो भी अमाउंट आपको दिख रहा होगा हमारे ऐप पर उसके बाद थर्टी परसेंट रिडक्शन हो जाएगी मान लो कोई कोर्स अगर दो हज़ार रुपए का है तो उसके अंदर अगर आप थर्टी कोड लगा देते हो कूपन कोड लगा देते हो तो वहाँ पर आपका वो कोर्स हो जाएगा दो का तीस परसेंट कम कर दो चौदह का वाह देखो तो इतने का आपको थर्टी परसेंट डिस्काउंट दे दिया ठीक है जी तो डिस्काउंट लिया भी जाता है और दिया भी जाता है हमको मिलता भी है और हम देते भी हैं एक व्यापारी डिस्काउंट देता भी है और डिस्काउंट उसको मिलता भी है डिस्काउंट की कैटेगरी तीन प्रकार की है पहला ट्रेड कैश और रिबेट तो सबसे पहला आता है ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक डिस्काउंट ये एक जनरली 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 एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है मान लो दिल्ली में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं चांदनी चौक जिसके अंदर खा खरी बावरी नाम की एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट चावल दालें ये सब मिलती है ठीक है ना थोक विक्रेता होते हैं। वहाँ पे ना एक किलो काजू नहीं मिलता वहाँ पर एक कट्टा काजू मिलता है ठीक है ना एक बोरा काजू सौ किलो काजू पचास किलो काजू ऐसा पर डेली फिर हमारे रोहिणी के अंदर एक नाहरपुर मार्केट है आपके वहां पर भी कोई ऐसी होलसेल मार्केट होगी जहां पर ग्रोसरी आइटम्स बहुत सारी शॉप्स होंगी तो वहां देखो खारी बाबरी से माल खरीदता है नाहरपुर का बंदा ठीक है ना वो काजू एक किलो दो किलो नहीं खरीदेगा आपको एक किलो दो किलो चाहिए ना हम मेर होल्ड हमको एक किलो दो किलो काजू चाहिए होता है लेकिन उसको नहीं चाहिए तो वो दो बोरी काजू मंगवाता है दो बोरी काजू का रेट अलग है चार बोरी काजू का रेट अलग है अगर आप साठ बोरी काजू लोगे तो उसका रेट अलग है क्योंकि एक विक्रेता दूसरे विक्रेता से बल्क क्वांटिटी में माल खरीद रहा है तो यहां पर भी आता है रिडक्शन अलाउड इन वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रेड डिस्काउंट इस बात की बात है ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई तो जब आप ह्यूज क्वांटिटी में माल खरीदते हो तो जो आपको रिडक्शन मिलती है प्राइस की उसको आप कहते हो ट्रेड डिस्काउंट चलो ये आप अपनी जिंदगी में भी आजमा सकते हो अपनी ज़िंदगी में आजमा सकते हो कैसे फॉर एग्जांपल जब आप मैकडोनल्ड्स जाते हो तो आप मैकडोनल्ड के अंदर बोलते हो कि भैया कि एक बर्गर दे दो और एक पेप्सी दे दो तो बोलते हैं जी आप दो सामान ले रहे हो ना तो आप कम पैसों में मतलब जो फ्रेंच फ्राइज़ पचास रुपये के हैं आप मुझे बीस रुपये दो मैं आपको इसी में दे दूंगा या फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप वीकली मार्केट्स में जाते हो हमारे रोहिनी साइड में वीकली मार्केट्स लगती हैं हर जगह जगह मंडे मार्केट ट्यूजडे मार्केट आई होप आपके क्षेत्र में भी लगती होगी तो वहाँ पर जब आप जाते हो बोलते हो भैया प्याज कैसा दिया तो बोलता भैया बीस रुपए किलो आप बोलो मुझे एक किलो नहीं चाहिए मुझे तो दस किलो चाहिए तो बोलेगा ठीक है आप दस किलो का जो रेट है वो दो सौ बन रहा है ना आप मुझे एक सौ अस्सी रुपए दे जाओ एक किलो बीस का ही पड़ेगा लेकिन दस किलो एक सौ अस्सी का पड़ेगा क्यों क्योंकि आप एक अच्छी क्वान्टिटी में उससे माल खरीद रहे हो वैसे तो ट्रेड डिस्काउंट एक व्यापारी हमारे अकाउंट्स में तो यही माना जाता है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होगा ये हमेशा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक किलो काजू का दाम था सौ रुपये एक बोरी का दाम था सौ रुपये और अगर आप दस बोरी खरीदोगे तो हज़ार रुपये नहीं पड़ेगा तो नौ सौ पड़ेगा तो आप अपनी बुक्स में नौ सौ ही रिकॉर्ड करोगे आप ये नहीं बोलोगे कि हज़ार माइनस सौ इज इक्वल्स टू नौ सौ नहीं आप सीधा ही बोलोगे कि मुझे नब्बे रुपये का एक बोरी पड़ी है और नौ सौ रुपये का आ गया तो यहाँ पर लिखा जाता है डायरेक्ट ऐसे सिमिलरली परचेज आर रिकॉर्डेड बाय द परचेज एट द नेट वैल्यू परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट ठीक जी जितने, खरीदा, जितने बेचा, और ये बुक्स में खरीदा माइनस जाता।, जाता फिर आता है कैश डिस्काउंट देखो कैश डिस्काउंट क्या होता है कि अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हो अगर आपके पेरेंट्स फादर या मदर कोई मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है या कोई प्रोडक्शन के अंदर है तो उनसे पूछना कि जब भी वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं या बेचते हैं ऑब्वियसली बता आपका गुड्स भी किसी के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप आटा खरीदते हो ब्रेड बनाने के लिए तो ब्रेड भी आपसे कोई खरीद रहा होगा केक बनाने के लिए ठीक है ना तो कहानी यह है कि जब भी आप कोई माल खरीदते हो या बेचते हो तो उसके दो अलग दाम होते हैं अगर आप उधार पे खरीदोगे उसका दाम अलग है और अगर आप कैश पे ख़रीदोगे उसका दाम अलग है ये बात विश्वास नहीं होगा वैसे आपको लेकिन आप पूछ लेना देखो आपका किराया वाला ना आपको सेम दाम पे देगा आप पेप्सी लेने जाओ अस्सी रुपये नब्बे रुपये की बॉटल आएगी और चाहे कैश दो चाहे बोलो भैया आप लिखते रहो एक महीने बाद पेमेंट करूँगा तो वो आपके लिए सेम है क्योंकि आप एक ही बॉटल खरीद रहे हो लेकिन जब आप एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से लगातार माल खरीदता रहता है तो उसके पास एक और ऑफ़र आता है वो होता है कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया जाता है राम ने शाम को माल बेचा राम ने शाम को जब माल बेचा तो राम ने शाम को कहा कि भैया अगर तू मुझे बीस दिन के अंदर पैसे दे देगा फॉर एग्ज़ाम्पल तेरा बिल बना है एक लाख रुपया क्योंकि तूने बहुत ज़्यादा माल खरीदा है मैं तेरे को ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ दस हज़ार रुपये का तो नब्बे हज़ार रुपये तेरे को मेरे को देने हैं लेकिन अगर यही नब्बे हज़ार तू मुझे विद इन ट्वेंटी डेज़ दे देगा विद इन ट्वेंटी डेज दे देगा तो मैं तेरे को पांच परसेंट डिस्काउंट और दे दूंगा नहीं देगा तो तीन महीने का उदाहरत में तेरे को दिया ही हुआ है तीन महीने के अंदर तेरे को मेरे को पैसे देने ही देने लेकिन अगर तू बीस दिन के अंदर पे कर देगा ट्वेंटी डेज के अंदर तो तेरे को मैं पांच परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा तो उस डिस्काउंट को कहते हैं भैया क्या डिस्काउंट अर्ली पेमेंट की वजह से रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल और रिसिवेबल ड्यू टू द टाइमली पेमेंट कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी ऑब्वियसली बात है राम के लिए ये एक्सपेंस होगा क्योंकि वो जल्दी पैसा पाने के लिए क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है जल्दी पैसा पाने के लिए क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है देखो टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम ठीक है ना तो कहानी यहाँ पर यही है कि जल्दी पैसा हमारे हाथ में आएगा वो हम कहीं और लगाएंगे उससे और पैसा बनाएंगे एक बिजनेसमैन की भाषा है ठीक है ना अगर आप अगर सम सिंपल सी बात है आज आपके मामा जी या चाचा जी आपको बोलेंगे भैया कल की जगह या तो तीन दिन बाद पेमेंट ले ले तो आप वो लोगों कोई बात नहीं मामा जी घर वाली बातें कोई टेंशन नहीं है लेकिन व्यापारियों में ऐसा नहीं होता तीन दिन बाद पैसा बढ़ जाता है अब ये बात आपको शायद समझ में आए या ना आए ये हम कभी और बात करेंगे लेकिन क्या डिस्काउंट समझ में आ गया होगा ना अगर आपको और एक्स्ट्रा ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा क्योंकि आपने बल्क क्वांटिटी खरीदी है और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आपको टाइमली पेमेंट करनी है जो सेलर आपको बोलता है भैया बीस दिन पच्चीस दिन रिबेट। रिबेट नहीं किया हुआ गलती से तो एक होती है रिबेट रिबेट के बारे में बताता हूं, आपकी टी एस गरेवाल के अंदर इसका जिक्र है तो रिबेट क्या होता है छूट आपने ट्रेड डिस्काउंट भी ले लिया आपने कैश डिस्काउंट भी ले लिया बाद में जाके पता चला भैया गुड ही खराब थे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फोटो है आई प्रिंटर ठीक है ना अब आई प्रिंटर वाले ने अभी क्या किया हमारे ओ एस आर अकेडमी की इंग्लिश की जो ऑफलाइन बच्चों को हम किताबें देते हैं तो उस किताब में क्या किया एक ग्रामर पोर्शन होता है और एक आपका पता नहीं शायद आपका लिटरेचर पोर्शन था या राइटिंग पोर्शन था तो उसने किताब में क्या किया आधी किताब तो ऐसी है और आधी किताब उल्टी कर दी मतलब बच्चे को मतलब समझ रहे हो किताब ऐसे खुल रही है तो उसके चार सौ पीसी किताबें दो सौ पन्ने तो सीधे हैं और बाकी दो पन्ने उल्टे हैं एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक उसने इंग्लिश की किताब में सामने जो फ्रंट पेज बनाया बिना चेक करवाए ऊपर बड़ा-बड़ा लिख दिया साइंस तो ये तो ब्लंडर हो गया ना अब वो मेरे को कहता है कि भैया देखो एक किताब आपकी पड़ी है देखो समझो अब वो हमारे ऊपर है ये ये खरीदने वाले के ऊपर होता है वो कहता है एक किताब आपको कितने की पड़ी थी मैंने कहा भाई ₹200 की तो कहता है ऐसा है मैं आपको ये पचहत्तर रुपये की लगा देता हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसने ऐसा बोला नहीं वैसे मैंने तो वापसी कर दी लेकिन वो कहता है कि सर मैं आपको पचहत्तर रुपये की या एक सौ पचहत्तर रुपये की लगा देता हूँ आप इसे इस्तेमाल कर लो वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा तो इसको बोलते हैं रिबेट इसको क्या बोलते हैं छूट जब माल अप टू द क्वालिटी नहीं होता या जब माल ऐसा नहीं होता या मैं कह सकते हो कि हम एक रेस्टोरेंट में गए एक रेस्टोरेंट में जाने के बाद अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक चलो रेस्टोरेंट में ऐसा कम होता है मैंने ऐसा कम देखा लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है नीचे लोगों को ऐसा करते हुए कि एक बारी मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने खाना वाना मंगवाया तो दाल शायद थोड़ी सी खराब थी या खट्टी थी या पुरानी थी बासी थी ठीक है हम भी मना कर देते कि भाई ये बासी दाल है मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि जैसे अच्छा वो एक और बताऊ ये वाटर के केस में ऐसा होता है तो वाटरमेलन के केस में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मैं गया वाटर की दुकान पर मैंने कहा भैया कितने का दिया कहता भैया बीस रुपए किलो कहा भैया एक बढ़िया सा लाल सा तोल दो ठीक है जी लाल है लाल है आज बड़ा चला हुआ तो उसने एक तोला बहुत बढ़िया तो कहता है कि जी ठीक है पैक कर तो मैं ना ना, ना 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 पहले तो काट के दिखाना पड़ेगा ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो भैया वो कहता है ठीक है मैं काट के दिखाऊंगा भाई तूने खुद चुना है तूने जो पैसे बताए मैं तेरे को दे रहा हूँ लेकिन मेरे को मेरी चीज मेरे, मेरे हिसाब की चाहिए तो मैं कहा मेरे को लाल लाल चाहिए एकदम तो उसने काटा और वो लाल नहीं निकला अब वो लाल नहीं निकला उसको पता उसका नहीं बिकेगा मैं उससे खरीदने नहीं वाला लाल था लेकिन कम लाल था मीठा था लेकिन लाल नहीं था भाई लाल तो लाल होता है ना मीठा मीठा होता है तो अब मैंने क्या कहा मैंने नहीं कहा उसने ने कहा भैया ऐसा है आपका सौ रुपये बना था ना अस्सी रुपये दो ले जाओ और मैं तो फिर मैं ही हूँ मैंने कहा ला मैं ले जाता हूँ समझ पा रहे हो तो इसको बोलते हैं रिबेट दाम पहले तय हो चुका है डिस्काउंट पहले दे चुके हैं पच्चीस रुपए मांगे मैंने मान लो बीस रुपए दिए डिस्काउंट की वात होगी लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अप टू द क्वालिटी नहीं निकला तो उसके बाद भी जो प्राइस में रिडक्शन हुई उसको क्या बोलते हैं रिबेट क्लियर है डन है चलो जी इसके बाद आता है डेप्रीसिएशन ये वर्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बातों बातों में डेप्रीसिएशन इज इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ योर नॉन करंट असेट ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर ड्यू टू ऑप्सोलेंस ड्यू टू चेंज इन फैशन एक्सेट्रा 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 तो डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज और ऑब्सोलैक् सड़ना गलना डेप्रिसिएशन इन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ बिकॉज ऑफ यूसेज विद द एफ्लक्स ऑफ टाइम जैसे ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरे सामने एक टेबल पड़ी हुई है ये समय आने पर धीरे धीरे खराब होगी ही हो होगी कि नहीं होगी अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं अब एक मोबाइल फ़ोन ताँ उम्र तो नहीं चलेगा ना उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है अभी मैंने गाड़ी ली गाड़ी ली ना मतलब ऐसा कहा जाता है चलो मार्केट वैल्यू अलग चीज है हर साल उस सॉरी हर साल उसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी मेरे हिसाब से हर मिनट कम होगी ठीक है ना ये सामने मेरे कैमरा है मेरा कैसेट है इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे कम होगी इस ट्यूबलाइट की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी तो वो कम क्यों होती है क्योंकि सड़ रहा है गल रहा है टाइम खराब हो रहा है टाइम बीत रहा है और चेंज इन फैशन सर अब तो ये वाला गाड़ी आती है तो पुराना हो गया ना मॉडल अब तो नया मॉडल आता है अब तो ये कैमरा पुराना हो गया तो नया मॉडल आता है ठीक है ना अब एप्पल 15 आने से एप्पल 14 की औकात कम हो जाएगी ये बात सब जानते हैं समझ रहे हो ना ये कहानी है तो यहाँ पर यही होता है डेप्रीसी अच्छा एक, एक एक होती है मार्केट वैल्यू एक होती है बुक वैल्यू अभी हम बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं जो आपकी किताब में लिखी है मार्केट वैल्यू की बात अभी नहीं करेंगे अब आपके संबंध में प्रश्न उठेगा कि सर व्हाट इज मार्केट वैल्यू व्हाट इज बुक वैल्यू तो इसके ऊपर एक हम फुल अच्छी सी डिबेट करेंगे इसका मैं ना एक लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ डाउट सेशन क्लास के अंदर लाइव होगा बहुत जल्द एक क्विज़ होने वाला है क्विज़ के साथ साथ हम लाइव लेक्चर करेंगे बेसिक टर्म्स का मैं क्विज़ करूंगा उसके अंदर हम लोग डिबेट करेंगे कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या होती है ठीक है ना अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मज़ा आएगा नहीं पता तो आप वेट करो ठीक है ना तो अभी हम डेपेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुक वैल्यू की अगर आपने एक चीज़ एक लाख रुपये की खरीदी थी और हर साल उसकी वैल्यू दस से कम हो रही है तो वो पहले नब्बे होगी फिर वो दस और कम हो जाएगी फिर वो अस्सी हो जाएगी ऐसे तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एक प्रकार का लॉस है एक प्रकार का खर्चा भी कह सकते तो लॉस होता है ठीक है जी ये दुनिया जान में हर जगह लगता है इसकी एक्सेप्शन है ये दो चीजों पर नहीं लगता एक तो लैंड पर ये मैं नहीं कह रहा ये सरकार कह रही है कि जमीन पर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाना जो जमीन होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना अलाउड नहीं है दूसरा है लाइव स्टॉक हाथी घोड़े भैंस हाथी घोड़े बैंक अब अब अमूल कंपनी के पास भैंसे होंगी गायें होंगी वो उसके ऊपर डेप्रेशन नहीं लगा सकती एक बैंड वाला जो होता उसके है उसके ऊपर घोड़ियाँ होती हैं वो उसके ऊपर डेप्रेशन नहीं लगा सकता एक कैमल राइड जो आपको कराता है मूर्थल जाओ तो कैमल राइड हो रही होती है ठीक है मैं अभी उदयपुर होके आया तो वहाँ पर भी कैमल राइड्स हो रही थी वहाँ तो बहुत सारे कैमल्स थे तो उस कैमल राइड उसका एसेट तो क्या है कैमल ही तो है उसका एसेट क्या है भाई एक ओला वाले के लिए गाड़ी उसका एसेट है तो एक कैमल राइडर के लिए तो रहा है डेप्रिसिएशन नहीं लगाना ऐसा मैं नहीं कह रहा ऐसा सरकार कह रही है ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं कि लैंड और जबकि इनकी वैल्यू दोनों की कम हो सकती है लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसन लगाना अलाउड नहीं है ठीक है जी ओके फिर आता है बैलेंस शीट ये आपकी औकात बताती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं अभी हम एक चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर वन वहाँ पे बताया जाएगा कि साल के अंत में एक फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है कि पूरे साल आपने क्या किया पूरे साल आपने मुनाफा कमाया या घाटा किया और एक और बात कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि जब हमारा पहला लेक्चर आया था ए बी सी ऑफ अकाउंट लाइव लेक्चर था वो भी जाके देख सकते हो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उषांक करोड़पति है लखपति है हजार पति है या सिर्फ पति ही है ये कैसे पता चलेगा आपको मेरे को देखकर तो नहीं बता सकते ना एक इंसान लंबी गाड़ी में घूम रहा है एक अच्छे घर में रह रहा है जरूरी नहीं है कि वो अमीर होगा वो घर किराए का हो सकता है वो गाड़ी भाड़े की हो सकती है या वो गाड़ी दोस्त की हो सकती है अगर आप बैंक जाते हो लोन लेने के लिए तो बैंक वाले आपसे आपका पैन कार्ड मांगते हैं आपकी बैलेंस शीट्स मांगते हैं आपका रिटर्न फाइल कितनी की, की है वो मांगते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट्स मांगते हैं कि ताकि पता चले इस बंदे की औकात कितनी है तो जब भी आप बैंक जाते हो जैसे अभी हमने गाड़ी ली उसके ऊपर लोन लिया लोन लिया तो हमें क्या दिखानी पड़ती है अपनी बैलेंस शीट कि भैया ये बंदा रीपे करने योग्य है या नहीं है औकात है या नहीं है इसकी तो बैलेंस शीट कुछ नहीं है एक फाइनेंशियल पोजिशन बताता है आपकी औकात बताता है इसकी एक तरफ लाइबिलिटीज होती हैं और एक तरफ आपके एसेट्स होते हैं ठीक है ना बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है वहाँ पर ये बनाना सिखाए जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आखिरी टॉपिक मतलब पूरे साल के अंत में जाकर एक चीज बनती है जनरली इकतीस मार्च को उसको बोलते हैं बैलेंस शीट बैलेंस शीट कुछ नहीं है ये आपके सारे के सारे असेट की लिस्ट बताती है और सारी की सारी लाइब्रेटी की लिस्ट बताती है तो ऑब्वियसली बात है असेट ज़्यादा होने चाहिए आपकी लाइब्रेटी से फिर आता है एंटिटी यानी बिजनेस को हम एंटिटी भी कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एंड फन एटेक प्राइवेट लिमिटेड एक एंटिटी है रिलायंस मैकडोनल्ड्स ओ एस आर अकेडमी यूट्यूब ठीक है ना ये सारे के सारे क्या है एक एंटिटी है बजाज ऑटो मारुति टो एक बिजनेस का नाम यानी एंटरप्राइज को जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है उसको हम एंटिटी का नाम देते हैं बेसिक वर्ड है फिर आता है इन और एक आता है सॉलवेंट देखो सॉल्वेंट और इंसॉलवेंट में क्या फ़र्क है देखो साइंस में तो सॉलवेंट था जो घुल जाए इन जो ना घुले लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है एक ऐसा पर्सनालिटी एक ऐसा बंदा या एक ऐसी फर्म एक ऐसी एंटिटी जिसके एसेट्स जो हैं वो ज्यादा हैं उसकी लायबिलिटीज से क्या कहते हो अंबानी जी के ऊपर उधार होगा कि नहीं होगा भाई इतना अरबपति आदमी है करोड़ दुनिया का अमीरों में से एक पांच अमीरों में से एक आदमी है क्या उसके ऊपर उधार होगा कि नहीं होगा आंसर इज होगा ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं जिसके ऊपर उधार, उधार ना हो लेकिन वो इंसॉलवेंट नहीं है वो सॉल्वेंट पर्सनैलिटी क्योंकि उसके पास उधार तो है मान लो एक रुपए का उधार है तो दो रुपए की उसके ऊपर क्या है एसेट है उसके पास वो अपने उधार चुकाने के योग्य है अपने उधार चुकाने के योग्य है मैं आपको बताता हूँ अभी हाल ही में कुछ समय पहले 9.5 पॉइंट का हमको लॉस हुआ था ये कई बारी आशु सर ने अपने पॉडकास्ट के अंदर बोला है मैंने तो एक ही पॉडकास्ट दिया वहां पर ही मैंने बोला है कि हमको साढ़े नौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था पास्ट ईयर नहीं दो साल हो जाएंगे अगस्त में ठीक है ना और मेरे पास जो एसेट थे अब समझना मेरे पास जो एसेट थे वो लगभग लगभग पांच करोड़ रुपए के आसपास के थे ये रियलिटी एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ लगभग पांच करोड़ रुपए के मेरे पास जो शेयर थे मेरे पास जो प्रॉपर्टीज थी मेरे पास जो बैंक uh, बैलेंस था या मेरे पास गोल्ड जो पड़ा हुआ था पर्सनल असेट जिसको आप कहोगे वो पांच करोड़ रुपए के आसपास का था तो क्या मैं इंस्टॉलमेंट हो गया देखो ये मेरी लाइबिलिटी है और ये मेरे असेट हैं असेट तो कम है लेकिन मैं योग्य था उसको चुकाने के लिए क्योंकि मेरे पास एक क्षमता थी पढ़ाने की मेरे पास एक और एसेट था जिसको हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं वो था ओ एस आर अकेडमी मैं आने वाले नियर फ्यूचर में पैसा कमा के अपने उधारी चुका सकता था ये लॉस हुआ लॉस हुआ मतलब ये एक प्रकार का ऐसा लॉस था कि जो मुझे पे करना था वो आप कभी हम डिटेल में बात कर लेंगे या नहीं भी करेंगे तो चलेगा आप ऐसे समझ लो कि मेरे सर पे साढ़े नौ करोड़ रुपए की उधारी थी और मेरे पास एसेट कितने के थे पाँच करोड़ ये सब गवाने के बाद भी मेरे पास उधारी साढ़े चार करोड़ की बचती तो क्या मैं इंस्टॉलमेंट हो गया आंसर इज़ नो क्योंकि मेरे पास मेरी एक तो उम्र थी मेरे पास क्षमता थी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं एक्सप्लोर करके मैं ऑनलाइन आकर पढ़ा सकता था मेरे पास अपनी एक्सपेंशन करने के लिए एक वो थी और जिनसे पैसे जिन्होंने मुझसे पैसे लेने थे उनको भी पता था कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो अगले साल अगले नहीं तो अगले साल मुझे पैसा वापसी कर देगा क्योंकि इसके पास क्षमता है लेकिन अगर एक अस्सी साल का बुढ़ा बुढ़ा वर्ड बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए बूढ़ा ठीक है ना हमारी हिंदी में थोड़ी कमजोर है तो अस्सी साल का बुढ़ा या बूढ़ा अगर उसके साथ भी ये सिचुएशन हो जाएगी तो वहां पर उसको इंसॉल्वमेंट बोलना जरूरी हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि भैया आज है कल नहीं है ये रियलिटी बता रहा हूं ऐसे ही कोर्ट डिसाइड करता है आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा बंदा इंसॉल्वमेंट है और कौन सा बंदा इंसॉल्वमेंट नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये उधारी नहीं देनी होती मैं कहता हूँ भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं तो ये मैं कैसे बोलूँ मेरे पास कुछ नहीं है तो सामने वाली पार्टी में पे केस करेगी कि भैया इसके पास सब कुछ है मुझे पैसा नहीं दे रहा तो आई हैव टू प्रूव दैट कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं बोलूंगा कि भैया मेरे पास मात्र कितना है पाँच करोड़ रुपये मैं साढ़े नौ करोड़ रुपया नहीं उतार पाऊंगा तो कोर्ट बोलेगा भाई तू हट्टा कट्टा नौजवान है तेरे पास पढ़ाने का एक स्किल है तुम दो भाई हो एक और एक ग्यारह हो तो तुम क्यों नहीं उतार सकते अभी मत उतारो कोई तुम्हारे को कुछ नहीं कहेगा कोई तुम्हारे घर नहीं आएगा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तुम आने वाले तीन साल चार साल ले लो और आराम से पैसा उतार देना हमने कहा जी ठीक है

तो वो ये भी देखता है और दूसरा जैसे अमिताभ बच्चन जी भी ना इन्वॉल्वेंट होने वाले थे उनका घर प्रतीक्षा नाम का नीलाम होने वाला था ये आप जाके देख सकते हो उनका एक प्रोडक्शन हाउस था ए बी प्रोडक्शन हाउस अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन ऐसा कोई ए बी प्रोडक्शन हाउस था वो भी वहां तक वो बर्बाद हो गए थे सब बिक गया था नीलाम होने वाला था उनको कौन बचाया

होगी इसके अलावा भी ना जब आप देखोगे अपनी टी एस गरीवाल छोटे छोटे और शब्द मिलेंगे जैसे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा गेन मिल जाएगा वो सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है तो मैं लेकर नहीं आया हूँ ना मैं अपने ऑफलाइन में इतना ज्यादा कुछ ढंग से पढ़ाता हूँ सबको ऑलरेडी पता ही है ठीक है ना और तो भाई मैं शंकर महादेवन की तरह पढ़ाया मैंने <laughs> चलो बहरहाल बात ये थी कि मजा आया पढ़ा कर इतनी ये तीन लेक्चर में बेसिक टर्म्स खत्म होगी देखो ये बेसिक टर्म्स आर द पिलर्स ऑफ योर फाउंडेशन जितना बढ़िया से एंजॉय करके इंटरेस्टिंग वे में और आसपास चीज़ों को देखो यार उस बिज़नेस का देखो वो ड्राइंग कर रहा है जैसे फॉर एग्जांपल एक खरबूजे वाला अपना ही टेबल से अपने ही दुकान से खरबूजा निकाल कर खा रहा है यानी वो उसकी ड्राइंग है पर्सनल नीड को फुलफिल कर रहा है समझ रहे हो कहानी समझ रहे हो ऐसा है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी है वो जब अपनी नानी के घर जाती है तो उनकी नानी के घर मतलब जो उनकी चाची नानी जो है मतलब समझ लो एग्जैक्ट नानी तो नहीं लेकिन नानी की जो बहन है उनकी एक शॉप है किराने की उनकी एक किरायाने की शॉप है आज जब मेरी बेटी जाएगी ना बड़ा थैला पकड़ लेंगी लेस भी डाल देंगी फ्रूटी भी डाल देंगी अब मिलने जा रही है पोती जा रही है छोटी सी तो वो सबको डाल के थैला भर के देती है ये क्या पर्सनल लीड है ये ड्रॉइंग है पैसा नहीं आया समझ रहे हो ये क्या है ड्रॉइंग है आगे ना बात। तो कहानी चीजें यहीं से शुरू होती हैं जब आप आसपास चीजों को देखना शुरू करते हो अच्छा जी तो अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो किस पर होगा ये आप बताएंगे मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ पहला मैं ऑप्शन देता हूँ कि हम चैप्टर वन पढ़ाएं विच इज अ थ्योरी चैप्टर दूसरा ऑप्शन है हम चैप्टर नंबर फाइव पढ़ाएं जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं ठीक है जी चैप्टर टू हमारा हो चुका है चैप्टर थ्री वेट कर सकते हैं चैप्टर फोर वेट कर सकते हैं या तो हम चैप्टर वन करें या चैप्टर नंबर फाइव करें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और आपके शायद यू वगैरह में भी आएंगे तो आप जल्द से कॉमेंट करके बता दो कि कौन सा चैप्टर करना है इससे मुझे बदल जाएगा कौन आखिरी तक वीडियो देखता है ठीक है जी तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे